नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों बता दें कि फाइनली एक बार फिर से एक और बड़े राज्य में लगने वाला है लॉकडाउन। दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर वो राज्य है कौन सा और कहां पर एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, तो मैं आपको पूरी खबर देने वाला हूं। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अब दोस्तों जगह जगह पर लॉकडाउन एक बार फिर से लगने लग गया है और इससे दोस्तों आप सभी लोग आने वाले टाइम के लिए थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। इसलिए हम आपके लिए ये खबर छांट करके लाए हैं, बस आप सभी को इस खबर को पूरी तरह से और ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें कि जिस तरह से अभी एक बार फिर से महामारी पूरे देश में बढ़ने लग गई है, इसको देखकर दोस्तों पूरी की पूरी सरकार डर चुकी है और साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार शायद इससे बहुत ज्यादा डर चुकी है। तभी तो हमें देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। उप मुख्यमंत्री बोले हैं कि स्थिति की समीक्षा के बाद हम बहुत जल्द लेने वाले हैं फैसला। दोस्तों बता दें कि देश में एक बार फिर से महामारी के मामलों का इजाफा होने लग गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में तो महामारी का ऐसा हाल है कि हर रोज लगभग बहुत सारे लोग इससे अपनी जान गंवा रहे हैं और इसी वजह से देश की राजधानी में भी काफ़ी सारी चेतावनी जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं या फिर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अगर आप बिना मास्क के, जी हाँ ध्यान से सुनना, बिना मास्क के अगर आप घूमते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको कितने रुपये आप सोच रहे होंगे, 100, 200, 300, 400, 500। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 2000 रुपए तो सिर्फ बिना मास्क के घूमने पर अब जुर्माना है। इसके साथ ही अगर आप यहां वहां थूकते हुए पाए जाते हैं तो भी आपको ढेरों रुपए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ जुर्माने के रूप में। तो आप समझ चुके होंगे कि महाराष्ट्र में अब कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है सब कुछ। इस वजह से दोस्तों हम आपके लिए ये खबर छांट करके बता दें कि कई राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बढ़ाई जाती है, तो वहीं कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने बयान में कहा है कि दिवाली के दौरान काफी भीड़ थी, गणेश चतुर्थी के दौरान भी हमने भीड़ को देखा है, हम संबंधित विभागों से बात कर रहे हैं, हम अगले 8 से 10 दिन के लिए स्थिति की समीक्षा करेंगे और फिर हम तय करेंगे कि महाराष्ट्र को पूरी तरह से बंद करना है या फिर नहीं करना है और इसके ऊपर बहुत जल्द निर्णय लिया जा सकता है, ऐसा कहना है महाराष्ट्र के मंत्री का। उन्होंने कहा है कि दिवाली के दौरान भारी भीड़ थी, मानो भारी भीड़ के कारण महामारी एक बार फिर से बढ़ चुकी है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरी लहर एक बार फिर से हमारे इंडिया में आ सकती है, जिसे महामारी की सेकंड वेव कहते हैं, वो एक बार फिर से आ सकती है। स्कूलों को शुरू करने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं जिसमें अलग अलग तरीके शामिल हैं कि उन्हें किस तरह से सैनिटाइज किया जाना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में महामारी खत्म ही नहीं हो रही है, इस वजह से वो सोच रहे हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए। बता दें कि महाराष्ट्र में महामारी वायरस संक्रमण के 5760 नए मामले सामने आने के बाद एक बार फिर से संक्रमितों की कुल संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। अधिकारी ने कहा है कि राज्य में संक्रमण से मुक्त होने के बाद शनिवार को 4088 लोगों को छुट्टी दे दी गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जिस तेजी से लोग रिकवर हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से एक बार फिर से यहां पर महामारी बहुत तेजी से बढ़ने लग गई है। इस वजह से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट तो पूरी तरह से डर चुकी है और वो कह रही है कि अब हम बहुत जल्द इस पर डिसीजन ले रहे हैं और एक बार फिर से लोगों को अपने घर में रहना पड़ सकता है। हमारा फर्ज बनता है एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि हम आप तक सबसे पहले सबसे बड़ी खबर लेकर के आए जो कि आपके काम की हो। अब आप अगर खुद सोचिए कि अगर एक बार फिर से पूरी तरह से सब कुछ बंद हो जाता है, आपको घर में रहना पड़ता है, तो आपको अचानक से ही अगर ये सब कुछ पता चले तो परेशानी तो हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना ताकि आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट कुछ इस तरह का बड़ा फैसला लेती भी है तो आपको परेशानी ना हो। इस वजह से हम ये खबर आपके लिए छांट कर लाए थे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।